प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों त्रिकोणमिति के चैप्टर में कोणीय अनुपात का मान ज्ञात किए थे। 0 अंश से लेकर के 90 अंश के तक के कोणों का मान प्राप्त करने के लिए हमने एक आपको चार्ट दिया होगा। चार्ट को याद करने का तरीका भी हमने बताया था आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस चार्ट को याद किए होंगे, चार्ट को कई बार लिखे होंगे। मैंने लिख के याद करने के लिए कहा था। आज हम लोग उसी चार्ट से आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे कि साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो आप तुरंत ही चार्ट पर ध्यान जाएगा आपका और साइन 30 अंश का मान बता देंगे कि 1/2 होगा। लेकिन कहीं साइन 30 अंश और इनपुट का 60 अंश लिखा हो और पूछा जा रहा हो कि इसका मान क्या होगा, तब आपको साइन 30 अंश का मान लिखना होगा और का 60 अंश का मान भी कितना होता है ये भी उतना ही होता है और इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1/4 आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ऐसे ही त्रिकोणमिति अनुपातों में अगर हम दूसरा एक सवाल देखें और वो सवाल इस तरह का हो, 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश बटा 1 plus tan square 30 अंश। अगर इस तरह के प्रश्न हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जा रहा हूं आपसे इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम 30 अंश के मान को रखेंगे। 2 × 30 अंश का मान 1/3 हुआ करता है। यहाँ करेंगे 1 plus tan square 30 अंश माने 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम देखते रहेंगे, इनका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 2/3 हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा करेंगे 1 + 1/3 हो जाएगा। ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। पुनः हम इनको सरल करेंगे। आ जाइए हम यहाँ चले आते हैं, पुनः हम यहाँ हल करेंगे इसको। ये 2/3 ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और बटा 3 × 3 और 1 मिलकर ये 4/3 हो जाएगा। अब इसे जो पुनः हल करने की बारी आ जाती है तो हम 2/3 गुणे कर देते हैं, ये भी उलट जाती है भाग के क्रिया को, 3/4 के रूप में हो जाती है। कटा देते हैं, 2 × 2 = 4 होता है। 3 से 3 को कटाते हैं, 3 प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ देखिए 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 × 3 और 3 का गुणनफल 3 के बराबर था। तो इस 3 में 2 बार कणिगत मान छिपे हुए थे, 1 कणिगत मान कट गया, 1 कणिगत मान बच गया। इस प्रकार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे इसको कटा देंगे, 3 प्राप्त हो जाएगा। आइए हम बराबर बन जाता है 3/2, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही सवाल आपको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। यही सवाल पूछा जा सकता है कि 2 tan 30 अंश + 1 plus tan square 30 अंश का मान कितना होगा, इतना होगा। या यही सवाल वैकल्पिक प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि कई कई प्रश्न कई उत्तर दिए रहेंगे जिसमें 3/2 भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा, 1/2 में 2 भी रहेगा और 0 रहेगा। सवाल कहेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, तो उसमें से आप जहां 3/2 का विकल्प पाओगे आप उसे सही मानोगे। ठीक किसी प्रकार एक और प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 1 minus tan square 45 अंश बटा हो जाता है, लिखा हुआ है 1 plus tan square 45 अंश। कह रहे हैं सवाल इसका कि इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको 4 विकल्प दिया हुआ है,
पहला विकल्प दिया है 90 डिग्री, दूसरा विकल्प दिया है 1, तीसरा विकल्प दिया है साइन 45 डिग्री और चौथा विकल्प दिया हुआ है 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0। आइए फिर देखते हैं हम लोग। हम सबसे पहले जो हमको प्रश्न दिया है इसी प्रश्न को ही हम हल करेंगे। प्रश्न को जब हल करेंगे तो हल के ऊपर आप पाएंगे सूक्ष्म हल देंगे तो 1 माइनस आप जानते हो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 आई इसका वर्ग कर दीजिए नीचे आ जाएंगे 1 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर होना है तो 1 का वर्ग बन जाएंगे। इसको जब आगे की ओर बढ़ेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ेंगे 0 बटा 2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0। उत्तर अब 0 हो गया। अब आप इस विकल्प में ढूंढ लीजिए कहीं आपको 0 दिख रहा है वही विकल्प आपका सही है। आपका विकल्प नंबर 4 यह सही है, आंसर 0 भी दिया। आप विकल्प अगर देना है तो ये विकल्प अगर देना है तो जैसे भी लिखा रहेगा 4 लिखा रहेगा, चाहे ए ये सी दिया हो ये डी दिया हो तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जैसे प्रश्नों को हम लोग अपने कोणीय मानों के आधार पर लिखेंगे और रखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर इसी की कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके बुक्स में दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स को खोलिए चाहे किसी भी लेखक की बुक्स होगी आप उसमें जहाँ भी देखेंगे सवाल मिलेगा। थोड़ा सा हम और लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा सवाल आता है 2 tan² 35° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। इनका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, हम अपने चार्ट को याद ही किए हुए हैं। उस चार्ट के आधार पर 2 × tan 45 का मान 1 होता है क्योंकि इसका वर्ग किया गया है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है आपको चार्ट में याद होगा। cos 30 का मान ध्यान से सोचिए एक मिनट, cos 30 का मान कितना होता है, हर किसी को पता आप ढूंढेंगे cos 30 अंश का मान आपको पता हो गया होगा कितना होगा। cos 30 अंश का मान जो sin 60 अंश का मान होता है वही cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। sin 60 का मान कड़ी में 3/2 का ये होल वर्ग हो जाएगा। यार बच्चों देखो ये हो गया 2 × 1 का वर्ग यानी 2 ही हो गया, ये हो गया 3/4 और माइनस ये हो गया 3/4। अब आप देखोगे यहाँ 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, उत्तर हमको 2 मिल गया। ऐसे प्रश्नों को हम ढेर सारे प्रश्न हमको दिए गए हैं किताब में हैं। कुछ प्रश्न आपको यहीं पर सिद्ध करने के लिए भी दिए गए होंगे, उन प्रश्नों को आप वैसे सिद्ध करेंगे। जैसे एक सवाल आपको सिद्ध करने का भी दिखा दूं, आपको सिद्ध करने का एक सवाल दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि कहता है सिद्ध करो कि cos² 30° प्लस sin² 30° बराबर 1। यानी बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग द्विपक्षी मामला होने से लेफ्ट हैंड साइड से लेके हल करते हैं। इधर मान है कोणीय मान, उसके कोणीय मान को रखते हैं। cos² 30° का मान काले 3/2 हुआ करता है, इसका वर्ग कर देंगे। आप प्लस sin 30° का मान 1/2 का हम होल वर्ग कर देंगे। आप इन्हें हल करेंगे 3/4 हो गया, आप प्लस 1/4 पुनः हल करेंगे 4/4 = 1 प्राप्त हो गया। यही हमारा राइट हैंड साइड है, एक लाना था एक मिल गया। अंत में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ।
एक नंबर का सवाल आपको ऐसे चैप्टरों से मिलेंगे, हम आज पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। कुछ प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को आप उन्हें घर पर आराम से हल करिएगा, कुछ अपने बुक्स से भी लेकर के हल करिएगा। आगे हम देते हैं कुछ हमारे होमवर्क के सवाल होंगे, जो कुछ तो सवाल मैं दो चार सवाल आपको दे रहा हूँ और बाकी आपके किताब में ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल करें। जैसे पहला सवाल है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, tan 30 अंश tan 30 अंश इनटू cot 60 अंश का मान ज्ञात करना है। तीसरा सवाल है, sin 30 अंश इनटू sin 60 अंश इनटू sin 45 अंश का मान ज्ञात करना है। चौथा सवाल है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश प्लस माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का इनका भी मान ज्ञात करना है। पांचवा सवाल है आपका, पांचवा सवाल और एक देख लीजिए, cos 60 अंश इनटू cos 30 अंश cos 60 अंश इनटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश इनटू sin 30 अंश इनका मान ज्ञात करिए। पांच सवालों को नोट कर लीजिए, पांच सवाल हैं आपके, इन पांचों सवालों को आप सरल करिएगा। धन्यवाद।